हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसा कि मेरा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ क्लास ट्वेल्थ का कंप्लीट हो गया था, तो मैं आपको उसकी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर रही थी। तो इससे पहले मैंने आपको उसकी अपने कल की वीडियोस में फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दे दिए थे। आज मैं आपको करवाऊँगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी। पार्ट 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ का है। तो चलो शुरू होते हैं अपने हम आज के क्वेश्चंस पे। कॉपी में देखना, नोट डाउन करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मैनी वेज मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड। मैनेजमेंट कितने भागों में, कितने पार्ट में डिफाइन हुआ है, मैनेजमेंट को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन मैनेजमेंट ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू टू सेंस। मैंने आपको अपने सारे वीडियोस में डिटेल में बता रखा है कि मैनेजमेंट को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज़ योर मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सेंस। पुरानी सेंस की या कह सकते हैं ट्रेडिशनल सेंस के अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट क्या है। तो एज़ पर एज ट्रेडिशनल अप्रोच मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट पुरानी या ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने वर्क को अपने मेंबर्स के द्वारा करवा सकते हो। मीन जो आप चाहते हो वैसे ही काम आपके वर्कर्स अगर आपको करके दे, आपके एम्प्लॉयर्स आपको करके दे, आपके कंपनी के पर्सन आपको करके दे, तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज डिफाइन मैनेजमेंट एज पर एज मॉडर्न अप्रोच। मैनेजमेंट हमारे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल द मैनेजेरियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग करता है मैनेजेरियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में देख लो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको अपनी एक कोटेशन भी बताई थी अपनी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके देखना। यस मैनेजमेंट, इससे पहले आप ये वाले आंसर लिखो, आप एक हेडिंग एक कोटेशन डाल देना ना, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द हर्ट एंड सोल ऑफ एवरी बिजनेस। मैनेजमेंट हर एक बिजनेस का हर्ट और सोल कहलाता है। हर्ट मतलब दिल और सोल मतलब आत्मा कहलाता है। मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अ फर्म टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, जिससे आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ अचीव हो सके अपने गोल्स की, अपनी कंपनी की। मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल गोल्स को, ट्रांसफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में, जिससे कि आपकी जो भी एक्टिविटी, जो भी उद्देश्य, जिस भी चीज़ के लिए आपकी कंपनी चल रही हो उसे वो अचीव कर पाए। समझ के स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो आज की, हमारी ये वीडियो थी आज की मैनेजमेंट की, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट 1 की। अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी मैनेजमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 2। ये पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 करवाऊंगी। टिल देन कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाइए, नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए और इन वीडियोस को अपने जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट।